दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं नर्मदापुरम के किले पर से। नर्मदापुरम में नर्मदा के किनारे स्थित है यह किला जो आप देख रहे हैं। यह होशंग शाह के किले के नाम से भी जाना जाता है। 15वीं सदी में बने हुए इस किले को मालवा के शासक होशंग शाह ने बनवाया था, जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, किंतु फिर भी इसका आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाता है। गवर्नमेंट एक्सलेंस स्कूल नर्मदापुरम और इस साइड से जो रास्ता गया है ये किले को जाता है। सामने दिखाई दे रहा है नर्मदापुरम का किला। किले के सामने ही है पंडित भवानी प्रसाद मिश्र उद्यान। राजा होशंग शाह गौरी, जिनके नाम पर इस शहर का नाम होशंगाबाद पड़ गया था। पूर्व में भी नाम नर्मदापुरम था और अभी पिछले दिनों होशंगाबाद से नाम बदलकर वापस नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो होशंगाबाद का किला था जिसे अब हम नर्मदापुरम के किले के नाम से जानेंगे। यह है पंडित भवानी प्रसाद मिश्र उद्यान। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नर्मदापुरम का किला। सामने नर्मदा जी का खूबसूरत दृश्य और ये हमारा नर्मदापुरम का किला। उद्यान से नर्मदा जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं किले की तरफ। ये हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं इस किले में। हम पहुंच चुके हैं किले के ऊपरी तल पर। उन्नीस और 1999 की बाढ़ झेल चुका है यह किला। उसके बाद भी इसका कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं, ये खड़ा हुआ है यथास्थिति में। जगह जगह मरम्मत की दरकार है, टूट फूट गया है जगह जगह से। कई जगह दरारें चल रही हैं, कई जगह दीवारें गिर चुकी हैं। कहा जाता है किले के नीचे से एक सुरंग जो नर्मदा के दूसरी तरफ निकलती है, जहां से होकर राजा और रानी नर्मदा के इस पार से उस पार जाया करते थे। कहा जाता है इस किले के अंदर एक खजाना गड़ा हुआ है,
उस खजाने की खोज में कई लोगों ने कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी की, कई जगह खुदाई भी की, किंतु किसी को वह खजाना प्राप्त नहीं हुआ। इस किले ने कई बाढ़ें झेली हैं, जिसमें मुख्य रूप से 1926, 1973 और 1999 की बाढ़, जो भयानक बाढ़ आई थी नर्मदा में, उस बाढ़ को झेलने के बाद भी किला अपनी यथा स्थिति में खड़ा हुआ है। अब हम नीचे चलते हैं इस किले में। किले की प्राचीर से ये कुछ सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के माध्यम से हम नीचे चल रहे हैं। बड़ा सुंदर नजारा नर्मदा नदी का। इस किले के अंदर कोई सुरंग कही जाती है, जो अब तो बंद हो गई है, जो नर्मदा जी के उस तरफ निकलती थी, कहा जाता है, जिससे राजा रानी नर्मदा जी के इस पार से उस पार जाया करते थे उस सुरंग के माध्यम से। इनमें से ही कहीं वो सुरंग रही होगी, अभी तो सब बंद है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय की यह जो बिल्डिंग है, यह किसी जमाने में छावनी थी, होशंग शाह गौरी के जमाने में। किले का पृष्ठ भाग हम यहां से देख सकते हैं, मंगलवारा घाट से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन भी दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और जब भी नर्मदापुरम आएं, इस किले को देखने अवश्य आएं।